दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज ये 14 फरवरी, एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियां ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में 5000 से ज्यादा खाली पदों पर बंपर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। जल शक्ति विभाग में भी लेटेस्ट भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जेकेएसएसबी, बीपीएससी में भी यहाँ पर लेटेस्ट भर्ती की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर लेटेस्ट भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर और हेडमास्टर प्रिंसिपल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1894 है। असिस्टेंट टीचर के 1504 खाली पद है, प्रिंसिपल के 390 खाली पद है। सेल आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो बैचलर डिग्री, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और बीएलएड और पास होना चाहिए यूपीटीटी या सीटीटी एग्जाम। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹600 एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी यूपी के लिए ₹400 फीस है। पीएचयूपी के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन ई चालान से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, अकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन के अंतर्गत एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की हिंदी में पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। इस भर्ती के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी .up.in इस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन जारी होगी, जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल पोर्टल पर, वो 18 फरवरी 2021 को जारी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 22 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 8 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 9 मार्च 2021 है। ऑनलाइन सबमिशन की फाइनल यहाँ पर लास्ट डेट 10 मार्च 2021 है। टीटी 2021, सुपर टीटी 2021 एग्जाम डेट 11 अप्रैल 2021 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 5 अप्रैल 2021 से। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 11 मई 2021 से। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड में। शिक्षक भर्ती बोर्ड TRB के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट या फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड फर्स्ट की। 2098 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 36,900 से 1,16,600, लेवल 18 के अंतर्गत भर्ती माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, बीएड और बीएससी एड से आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपी और बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन और डिग्री इन स्पोर्ट्स से आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएड, बीएड, बीएससी एड और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएड, बीएड, बीएससी एड से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष है। जनरल ओबीसी के लिए ₹600 एप्लीकेशन फीस है। एससी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए ₹300 फीस है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। TRB.TN.NIC.IN इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 1 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 मार्च 2021 है। रिटर्न एग्जाम की डेट 26 और 27 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक की भर्ती है। 3473 वैकेंसीज है। ₹8,000 सैलरी प्रति माह के लिए है। क्वालिफिकेशन की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो।
आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। वहीं बात एप्लीकेशन फीस की की जाए तो वो भी आप नोटिफिकेशन से जानकारी चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। कर्नाटक जॉब लोकेशन है schooleducation.kar.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 25 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग के अंतर्गत पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और ड्रिलर की। वहीं बात हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत यानी कि बागवानी विभाग के अंतर्गत की जाए तो इसके अंतर्गत पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट, कैशियर, क्लीनर, सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, फोरमैन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वेल्डर, ट्रैक्टर ड्राइवर और भी पोस्ट है। इसी तरह लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट कानून न्याय और संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की। इसी तरह हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग में टेबल बॉय और ट्रेलर की भर्ती है। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट सूचना विभाग के अंतर्गत भी स्टेनोटाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, फोटो लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट, स्क्रीन मैन, जूनियर कल्चर असिस्टेंट और भी पोस्ट है। सभी के लिए 927 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 19,900 से 63,200, 25,500 से 81,400, 29,200 से 92,300, 35,400 से 112,400 और 35,600 से 112,800 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो 10वीं 12वीं पास, आईटीआई डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा ओएम कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। एससी एसटी आरबी एएलसी आईबीडब्ल्यूएस पीएसपी ओएससी के लिए मैक्सिमम 43 वर्ष है। फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए 42 वर्ष है। ईएक्स सेल्समैन के लिए मैक्सिमम 48 वर्ष है। गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। ₹350 आवेदन शुल्क है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है jkssb.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो कि स्टार्ट होंगे 24 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वेरियस पद खाली है। सैलरी लेवल 9 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट और डिग्री इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष मेल के लिए और 21 से 40 वर्ष फीमेल के लिए है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट जो बिहार स्टेट के, उनके लिए ₹200 फीस है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो कि स्टार्ट होंगे 16 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 12 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर और सुपरिंटेंडेंट गार्डन की वेरियस पद यहां पर खाली है। सैलरी सुपरिंटेंडेंट गार्डन के लिए लेवल 12 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के लिए लेवल 14 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बीएससी एमएससी से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। जनरल और बीसी क्रिमिलेयर के लिए ₹350 शुल्क है। नॉन क्रिमिलेयर बीसी और स्पेशल बीसी कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के, उनके लिए ₹250 शुल्क है। एससी एसटी पीएच जो राजस्थान के, उनके लिए ₹150 शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो यूमित्रा सीएससी और नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। rpsc.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो कि स्टार्ट होंगे 17 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, सेवा चयन बोर्ड में भर्ती है। ये भर्ती होगी साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ड्राइवर सेकंड, टेक्निकल ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट ड्राइवर ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए और साथ साथ पीडब्ल्यूडी
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर जेई, ड्राफ्टमैन, वर्क सुपरवाइजर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, फोरमैन, ग्रेड फर्स्ट, जूनियर मैकेनिक, सर्विसिंग ऑपरेटर, वर्क सुपरटेंडेंट, असिस्टेंट मैकेनिक और फिटर की लॉजिस्टिक्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत भी वेरियस पोस्ट है, जैसे कि लीगल असिस्टेंट, जूनियर लीगल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, रीडर, जूनियर लीगल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, सब एडिटर उर्दू, स्टेनोग्राफर, उर्दू टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ARI और ट्रेनिंग के अंतर्गत पोस्ट है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर, जूनियर इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट मैकेनिक, कॉपी होल्डर, जूनियर असिस्टेंट और भी वेरियस पोस्ट है। सभी के लिए 580 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 14,800 से 47,800, 25,500 से 81,400, 35,900 से 1,13,500 प्रति माह के लिए है। 10वीं 12वीं पास, डिग्री, डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 40, 42, 43 और 48 वर्ष है। ₹350 फीस आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है jkssb.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी थी, उसके बाद इसको एक्सटेंडेड किया गया, उसके बाद इसको 10 फरवरी तक यहाँ पर एक्सटेंडेड किया गया, एक बार फिर से इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 17 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो भर्ती भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड JKSSB में निकली है। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, स्टोर कीपर, चौकीदार, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और भी पोस्ट है। सभी के लिए 232 वैकेंसीज है। सैलरी 25,500 से 81,100, 29,200 से 92,300 और 35,900 से 1,13,500 है। 10वीं 12वीं पास, डिग्री, डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40, 42, 43 और 48 वर्ष आयु सीमा है। ₹350 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है, jkssb.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी भी यहाँ पर 2 बार लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। अब आप इस भर्ती के लिए 17 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 14 फरवरी 2021 की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली इसे आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।